हम लगातार बने हुए हैं बड़ी खबर पर। पठानकोट में आतंकवादियों ने हमला बोला है, पठानकोट एयरबेस को निशाना बनाया है। अब तक इस हमले में क्या कुछ हो चुका है, सबसे पहले ये जानकारी आपको दे दें। सुबह करीब 4 बजे एयरफोर्स स्टेशन में ये आतंकवादी घुसे, 6 से 7 की संख्या में ये आतंकवादी थे, जो जानकारियां मिल रही हैं। सेना और पुलिस की मुठभेड़ में 4 आतंकवादियों को अब तक मार गिराया जा चुका है, लेकिन अभी भी और आतंकवादियों के वहां होने की आशंका है। इसको लेकर ये ऑपरेशन लगातार जारी है। उस पूरे इलाके की अभी सघन चेकिंग हो रही है, हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। गुरदासपुर के SP को अगवा करने वाले ही ये आतंकवादी हो सकते हैं, सोर्सेस से ये जानकारी मिल रही है, क्योंकि 2 दिन पहले 31 दिसंबर की शाम को SP पर अटैक किया गया था। गन पॉइंट पर उन्हें अगवा किया गया था, उनके रसोइये और दोस्त पर हमला किया गया, और उसके बाद आतंकवादियों ने आज इस बड़े हमले को एयरबेस पर अंजाम दिया। ये आतंकवादी जब यहां दाखिल हुए सेना की वर्दी में थे, और कोशिश इनकी ये थी कि टेक्निकल एरिया में घुसा जाए। मकसद ये था कि 2 से 3 दिन तक ये मुठभेड़ जारी रहे, और साथ ही जो सामान वहां पर है, जो इक्विपमेंट्स वहां होते हैं, जो विमान वहां पर मौजूद होते हैं, उन पर काबू किया जाए, उन्हें नष्ट किया जाए। ये इनकी साजिश थी जिसके तहत ये आतंकवादी यहां पर दाखिल हुए। सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। सुबह 4 बजे जब आतंकवादी दाखिल हुए, उसके बाद ही उन पर जवाबी कार्रवाई हुई, जबरदस्त हमला सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से उन पर बोला गया। लेकिन अब तक जो जानकारी मिल रही है, 4 आतंकवादियों को मार गिराया जा चुका है, लेकिन अभी भी और आतंकवादी वहां पर हो सकते हैं, ये जानकारियां मिल रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, सेना की बख्तरबंद गाड़ियां वहां पर मौजूद, चेकिंग लगातार इस पूरे इलाके की हो रही है। 2 से 3 दिन पहले इन आतंकवादियों ने सीमा पार से घुसपैठ की, और कोशिश ये थी कि बड़े से बड़ा नुकसान भारत की धरती पर किया जाए। पंजाब को एक बार फिर से चुना, 6 महीने पहले ही गुरदासपुर में आतंकवादी हमला किया गया था, जब पुलिस स्टेशन दीनानगर को निशाना आतंकवादियों ने बनाया था, और अब आज के दिन लश्कर के आतंकवादियों ने एयरबेस को निशाना बनाया, पठानकोट एयरबेस, वो जगह जो पाकिस्तान की सीमा से सबसे करीब एयरबेस है, और इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है सेना के लिए भी और साथ ही देश के लिए भी। आठ बजकर 30 मिनट पर हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान ने वहां से एक रिपोर्ट फाइल की है, देखिए। चलिए रिपोर्ट भी आपको हम दिखाते हैं, लेकिन उस बीच तस्वीरें आपको हम यहां पर लगातार दिखा रहे हैं। वहां पर अभी ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन आशंका ऐसी है कि अभी भी कुछ और आतंकवादी वहां हो सकते हैं, क्योंकि रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। इसलिए चुनौती अभी एजेंसीज के सामने और सुरक्षा बलों के सामने यही कि सबसे पहले इस पूरे इलाके को खाली कराया जाए, चप्पे चप्पे की चेकिंग हो, जिसके बाद ये आश्वस्त किया जा सके कि अब वहां पर कोई आतंकवादी और नहीं बचा है। ये 2 तस्वीर आपके सामने जो अपने आप में ये बताने के लिए काफी कि कैसे बीते 6 महीने में पंजाब ने 2 बार आतंकवादी हमलों का दंश झेला है। गुरदासपुर में जब आतंकवादी हमला हुआ, और उसके बाद आज 2 जनवरी 2016 को नए साल के दूसरे दिन आतंकवादियों ने यह हमला बोला। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं, कर्नल VN थापर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। सर, जिस तरह से ये आतंकवादी हमला हुआ, सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि 2 दिन पहले ही SP पर अटैक हुआ था, हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, जानकारी थी, लेकिन उसके बाद भी हम सर्वाइव नहीं कर पाए इस हमले के सामने, और ये हमला एयरबेस पर हुआ। नहीं, देखिए ये ठीक नहीं है कहना कि हम सर्वाइव नहीं कर पाए, क्योंकि आपको समझना चाहिए किस परिस्थिति में ये हमला हुआ है। पठानकोट जो है एक बड़ी भारी हमारी छावनी है, और यहाँ पे हर वक्त फौजी अफसरों की और फौजी जवानों की हरकत चलती रहती है, कोई गाड़ियाँ चलती हैं, जवान चल रहे हैं, तो उनमें कोई भी आदमी जो बॉर्डर से इस पार आएगा, वो इस तरह की वर्दी पहनकर फौजी उसको, जब तक कोई ऐसी बात नहीं होती आशंका वाली, तब तक उसको इधर उधर हरकत करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो ये पहली बात है समझना कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में काफ़ी बड़ी छावनी है, अहम छावनी है हमारी, तो इसलिए यहाँ पर फौजी हर वक्त मूवमेंट होती रहती है। दूसरी बात ये है कि आपने अभी जिक्र किया था कि पंजाब की तरफ खासकर इस एरिया में ये हमले रिपीटेडली हो रहे हैं, दो हमले हो गए हैं, तो समझने की बात ये है कि यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी हैं जो इन तरह के हमलों को फैसिलिटेट करती हैं। सबसे पहले पठानकोट जो है
वो एक कंस्टेंट सी जगह है, बड़ी दबी हुई सी जगह है। एक तरफ पहाड़ है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं, और एक बड़ा पुराना और बड़ा बेतरतीब से बना हुआ शहर है जो बढ़ता ही जा रहा है, और दूसरी तरफ उसका हमारा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ। तो इन दोनों के बीच में बड़ी नैरो जगह है, बॉर्डर क्रॉस करके एकदम यहाँ तक पहुँचने में कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, कहीं कहीं पर डिस्टेंस बहुत ही कम हो जाता है। तो इसको देखते हुए, और ज़मीन जो है वहाँ की वो बड़ी टूटी फूटी है, रावी दरिया के बड़े 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 जो रिवर्स हैं हमारी, उनके अंदर बड़ी बड़ी जगह है जो अपना दरिया अपना कोर्स बदलता रहता है, बहुत सारे नाले और टूटी फूटी ज़मीन है, जिससे छोटी छोटी मोटी टोलियों का आना संभव है। तो और यहाँ पे आने के बाद उनको बड़े हाई वैल्यू टारगेट्स मिल जाते हैं, काफ़ी हाई वैल्यू रेलवे लाइन है और डेपोज हैं और हमारे इंस्टॉलेशन हैं जो इस कंस्ट्रेंट दबी हुई जगह के अंदर, जो नैरो जगह है उसके अंदर उनको मिल जाते हैं। इसलिए ये एक अट्रैक्टिव एरिया है इस तरह की हरकत करने के लिए। सर, इस बीच एक बड़ी जानकारी भी हमारे पास आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को हम दे दें। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की टीम को पठानकोट के लिए रवाना कर दिया गया है। जम्मू से NIA की टीम रवाना हुई है यहाँ पर इस हमले के बाद, और NIA की टीम को पठानकोट के लिए रवाना किया गया है। मुंबई हमलों के बाद NIA का गठन किया गया था, जम्मू से NIA की टीम रवाना हो चुकी है घटनास्थल के लिए, एयरबेस पठानकोट का जहाँ पर यह हमला किया गया है। ये आतंकवादी 6 से 7 हो सकते हैं, लगातार ये जानकारी आ रही है सामने। 4 आतंकवादियों को हालांकि अब तक मार गिराया जा चुका है, लेकिन अभी भी और आतंकवादियों के वहां छिपे होने की आशंका है। लश्कर के ये आतंकवादी, कोशिश इनकी ये थी कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया जाए, और जिस स्ट्रैटेजी के तहत ये आए थे वो भी आपको बताएं, इनका प्लान इस तरह का था कि 2 से 3 दिन तक ये मुठभेड़ चले ताकि देश को दहशत का गुलाम बनाया जा सके। इस मकसद के तहत ये आतंकवादी यहाँ पर यह हमला करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि सुरक्षा बलों ने वहां पर मुस्तैदी दिखाई, जवाबी कार्रवाई उनके ऊपर फौरन हुई, और 4 आतंकवादियों को अब तक मार गिराया जा चुका है। लेकिन अभी भी ये देखिए, एयरफोर्स का विमान उड़ाने की इन आतंकवादियों की साजिश थी, सूत्रों के हवाले से ये खबर फिलहाल मिल रही है। सर, यहां पर जिस मकसद के साथ ये लोग आए थे, इनकी कोशिश ये थी कि टेक्निकल एरिया में दाखिल हुआ जाए और वहां पर जो इक्विपमेंट है, जो विमान है, उनको उड़ाया जाए। देखिए, ये इतना आसान काम नहीं है, आपको समझ लेना चाहिए कि एक एयरफोर्स बेस जो है पठानकोट की, मैं जानता हूँ, मैं वहाँ पे काफ़ी साल सर्विस कर चुका हूँ, वो बड़ी बेस है और उस बेस के अंदर सारे परिवार रहते हैं, एयरमैन रहते हैं, उनके बच्चे और सिविलियन स्टाफ रहता है, स्कूल्स हैं, कैंटीन है, हॉस्पिटल है, और इस तरह से जो आउटर पैरामीटर है उसके अंदर घुसना कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। फिर भी वहाँ पर चेकिंग होती है अंदर घुसने से पहले, लेकिन फिर भी क्योंकि इतना इतने लोग सिविलियंस उधर आते जाते रहते हैं और सारी जो आम कार्रवाई है वो सब हो रही है, तो वहाँ तक जाना संभव है, उसके आगे जाना बड़ा मुश्किल है। ये समझना कि 4 ऐसे आतंकवादी अंदर घुस जाएंगे एयरबेस के, वो गलत है। आप ये मत समझिए कि जैसा कोई अटैक कराची एयरबेस पे हुआ था, बिल्कुल मैं वही कहने वाली थी, वैसा नहीं हो सकता यहाँ पे, जब पाकिस्तान के मेहरान एयरबेस पर इस तरह का हमला किया गया। लेकिन वो परिस्थिति बिल्कुल अलग थी, वहां पे अंदर के लोग उनके साथ मिले हुए थे, यहाँ पर वो संभव नहीं है। तो ये समझना कि वो टेक्निकल एरिया में घुस जाएंगे और हमारे एयरक्राफ्ट को बर्बाद कर देंगे, ये संभव नहीं है, क्योंकि पूरा सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त किया गया है। और जरूरी है ये समझ लीजिए कि आप आए हैं, ये जैसे ये आए हैं आतंकवादी, इनके हाथों में हथियार है, पहली गोली ये चलाएंगे तो वो जो सेंट्री ड्यूटी पे होता है वो उसका कैजुअलिटी होना पॉसिबल है, लेकिन उसके बाद में ये इस तरह का 4-5 आदमी जो काम करेंगे। NIA की टीम जो है वो आ गई है, बहुत अच्छी बात है। इनका सबसे ज़्यादा फायदा तब ही होगा अगर वो ये जो आतंकवादी आए हैं इनमें से एक आधे को घायल अवस्था में या वैसे पकड़ लिया जाए, तब इनको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सकती।
लेकिन एक अहम बात मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप वाकई इसे कहीं किसी स्तर पर लोकल इंटेलिजेंस का या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर मानेंगे? क्योंकि एसपी पर अटैक होना, उसके बाद यहाँ दिल्ली से भी एनएसजी की टीम वहां के लिए रवाना हुई है, वहां पर वायुसेना के जवान पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमला हो जाता है, देखिए, और महज दो दिन के अंतराल में। देखिए एसपी इत्तेफाक से उनको मिल गया होगा, ये थोड़ी समझ के आए हैं कि वहां से हम एसपी को ही अपना टारगेट बना के आए हैं। इत्तेफाक से उस समय पर एसपी की गाड़ी जा रही थी, उन्होंने गाड़ी छीनने के मकसद से उनके ऊपर हमला किया। उसके आगे कुछ ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। एसपी के ऊपर हमला सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट को कैप्चर करने के लिए उन्होंने किया और वो ट्रांसपोर्ट में वो वहां तक आए। बीते दिनों में जब हमने आतंकवादी घटनाएं देखी हैं, उनमें हमने एक पैटर्न नोट किया है कि एक साथ दो से तीन जगह पर हमले किए जाते हैं। चाहे जब पंजाब में जब दीनानगर स्टेशन पर भी हमला हुआ था, सड़क पर हमला किया गया, पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया, और पूरी कोशिश ये की गई थी कि दहशत का ज़्यादा से ज़्यादा माहौल पैदा किया जा सके, और वही प्रयत्न हमने इस हमले में भी देखा है। नहीं देखिए, ये जो हमला है ना, ये हमला कामयाब हो बहुत मुश्किल है इसका कामयाब होना, क्योंकि मैंने पहले ही आपको जिक्र कर लिया। ये तो हम मानते हैं कि टेक्निकल एरिया तक जा पाना उनके लिए नामुमकिन सी बात है। नहीं, उसके अलावा भी दहशत नहीं फैला सकते, क्योंकि ये ज़्यादा बहुत बड़ा एक छावनी है। यहाँ पे चार पांच आदमी ऐसे आ गए, एक गोली चला के पहले सेंट्री को घायल कर दिया है या उसको कैजुअल्टी कर दिया, वो संभव है, लेकिन उसके आगे कोई इनका हरकत करना, क्योंकि आपको ये तो पूरी बात हुई इस पैटर्न की। हाँ। लेकिन जो टाइमिंग चुनी गई, जिस टाइमिंग पर यह हमला हुआ, एक ऐसा वक्त जब प्रधानमंत्री मोदी खुद हाँ। पाकिस्तान पहुंचे हैं, नवाज शरीफ को उनका जन्मदिन विश करके आए हैं, अब यहाँ पर सेक्रेटरी लेवल के टॉक्स जनवरी में होने वाले हैं, तो क्या इसका असर सीधे उस पर पड़ेगा? देखिए, दो तस्वीरें भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं। एक तरफ 25 दिसंबर 2015 को यह मुलाकात जो दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी, जब प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान लाहौर पहुंचे, नवाज शरीफ को उन्होंने जन्मदिन की बधाई देने, साथ ही उनकी नातिन की शादी समारोह में भी वो शरीक हुए, तोहफों का आदान प्रदान हुआ। लेकिन यहां से जो बुनियाद रखी गई थी इस परिप्रेक्ष्य में कि जनवरी में सेक्रेटरी लेवल के टॉक्स होंगे, जबकि इससे पहले भी दो से तीन बार बातचीत रद्द हो चुकी थी, ऐसे में जो माहौल बनना शुरू हुआ था, आज जो तस्वीर 2 जनवरी 2016 की है, यहां से आप क्या देखते हैं आगे? देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट थी लाहौर में, इसने सबको सारा माहौल को बहुत अच्छा कर दिया था, मतलब काफ़ी टेंशन रिलीव हो गई थी, और इसने ग्राउंड वर्क बना दिया था कि हमारे जो फॉरेन जो हमारे सेक्टरी लेवल टॉक्स होंगी उनका कोई अच्छा परिणाम निकले। अब ये जो थर्ड फोर्स है पाकिस्तान का, जो कि आतंकवादियों का संगठन है, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इसलिए ये कार्रवाई की गई है ताकि ये इसमें कोई डिरेलमेंट हो जाए, कुछ वादा पड़ जाए। ज़्यादा से ज़्यादा ये लगता है काम या तो लक्ष्य जहानवी या लक्ष्य तोयबा का हो सकता है। अब जैसे जैसे आइडेंटिफिकेशन और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आएगी, तब हम कह सकते हैं कि ये उनका काम है, और इसका मकसद बिल्कुल क्लियर है, वो यह है कि हमारे बेहतर होते हुए रिलेशंस को डीरेल करना। बिल्कुल, अब जब ये हमला हुआ है तो इसका असर यहाँ से कहाँ कहाँ और किस किस लेवल पर पड़ेगा, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की बात हो, पाकिस्तान के साथ जो बातचीत की शुरुआत हो रही थी उन पर पड़ने की बात हो, अब ये आने वाले दिनों में तस्वीर और साफ होगी। लेकिन हमले की लगातार हम बात कर रहे हैं, एनकाउंटर वहाँ पर जारी है, चार को मार गिराया गया है, लेकिन अभी भी और आतंकवादियों के वहाँ होने की आशंका है, और कोशिश लगातार यहाँ पर यही है कि जल्द से जल्द इस पूरे इलाके की चेकिंग हो जाए, ताकि इस बात के लिए आश्वस्त हुआ जा सके कि अब वहाँ पर कोई और आतंकवादी नहीं बचे हैं। ताज़ा रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, सुबह 9 बजे की हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार ने जो रिपोर्ट वहाँ से फाइल की है। ये रिपोर्ट आपको दिखाएं, लेकिन अपडेट आपको फिर भी इस बीच दे दें, जम्मू से एनआईए की टीम पठानकोट के लिए रवाना हो चुकी है, और अब वहां पर एयरफोर्स पठानकोट के एयरफोर्स जो बेस है, वहां जहां पर इनकाउंटर चल रहा है अंदर, उसके बाहर खड़े हैं यहां के जो विधायक है अश्विनी शर्मा है, जो कि यहां के पूरा जायजा लेने आए हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या इनपुट्स उनके पास आ रहे हैं। अश्विनी जी, क्या इनपुट्स आपके पास आ रहे हैं? ऐसा कि ये लगभग सुबह 4 बजे के बाद इनकाउंटर आपस में शुरू हुआ है इनका, और अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है
दो लोगों को मार गिराया गया और कुछ लोग अपनी ओर से भी जो है वो जख्मी हुए हैं। लेकिन जो प्रशासन का कहना है, जहाँ अंदर से जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, जल्दी ही बचे हुए आतंकवादियों को भी मार गिराया जाएगा और 4 और 5 की संख्या उनकी हो सकती है, ऐसा अंदाजा। तो आपको जो कल इनपुट आया था, अगर कल इस पर काम किया जाता, एसपी सलविंदर सिंह किडनैप हुए थे और ड्राइवर को मार दिया गया था, आपको लगता नहीं उसके बाद अलर्ट था, उसके बावजूद भी ये कामयाब हो पाए? ऐसा है कि उस घटना के बाद पुलिस पूरी तरह से जागरूक थी और कल सारा दिन आईजी स्तर के अफसर भी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने पूरा सर्च ऑपरेशन शुरू किया हुआ था। लेकिन क्योंकि ये गांव का एरिया है और साथ में चक्की लगती है, बहुत बड़ा एरिया बनता है, तो और साथ में मुझे ये लगता है कि इस समय हमारा सबका ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि जो हमला हुआ है उसको नाकाम किया जाए और पूरी तरह से उनको मार गिराया जाए। इस विषय पर बाद में भी चर्चा भी हो सकती है और इसकी समीक्षा भी की जा सकती है। अश्विन जी, कितना जिस तरह से खबरें आ रही हैं, 4 से 6 आतंकवादी हैं, 2 ग्रुप में बढ़ गए थे, एक उन्होंने टेक्निकल एयरपोर्ट पर अटैक करने की कोशिश की, दूसरा जो रेजिडेंटल एरिया में। ऐसा है कि ये जानकारी तो ऑपरेशन खत्म होने के बाद ही प्राप्त होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेशन है और वो लोग एक कॉर्नर से एंटर किए हैं और वहाँ जंगल जैसा वातावरण रहता है, पूरा बड़े बड़े पेड़ हैं, बड़ी बड़ी घास है। तो मैं तो इस बात को, जो मेरे को जानकारी है, उतनी ही दे सकता हूँ और मेरे पास जानकारी है कि 2 लोगों को मार गिराया गया, कुछ अपने लोग भी जख्मी हुए हैं और बहुत जल्दी जो बचे हुए आतंकवादी हैं उनको मार गिराया जाएगा। जी साहब, जाहिर है कि ऑपरेशन जारी है, अभी तक 2 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, 4 से 5 आतंकवादी कहने की जो अभी विधायक बोल रहे हैं, उसके बाद ही जैसे न्यूट्रल होगा उसके बाद देखा जाएगा कि कितने आतंकवादी थे। अश्विनी कुमार, पठानकोट आज तक। बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। पठानकोट एयरबेस पर आतंकवादियों ने हमला किया है, हालांकि 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, लेकिन अभी भी वहां पर चेकिंग लगातार जारी है और ऑफिशियली अभी एनकाउंटर खत्म होने की बात नहीं की गई है, क्योंकि यहां पर कोशिश अभी सुरक्षा बलों की भी यही है कि जल्द से जल्द इस पूरे इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा जाए। और जो जानकारियां मिल रही है उसके मुताबिक लश्कर के ये आतंकवादी हैं जिन्होंने पूरी साजिश के तहत इस हमले को अंजाम दिया। 2 से 3 दिन तक ये मुठभेड़ चलती, ऐसी इनकी साजिश थी, लेकिन जवाबी कार्रवाई में अब तक 4 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, सेना के भी 2 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन वहां पर लगातार ये ऑपरेशन जारी है। एयरबेस पर यह हमला किया गया है और इससे पहले 2 दिन पहले SP पर अटैक किया गया था और जानकारियां ये मिल रही हैं कि ये वही आतंकवादी हो सकते हैं जिन्होंने गुरदासपुर के SP को किडनैप करने की कोशिश की थी। जम्मू से इस बीच NIA की टीम भी पठानकोट के लिए रवाना हो चुकी है, जो बड़े अपडेट्स हमें इस पर मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मंशा आतंकवादियों की यही थी कि दहशत के साथ पंजाब को दहलाया जाए, भारत को एक बार फिर दहलाया जाए, और जिस टाइमिंग को आतंकवादियों ने इस हमले के लिए चुना वो भी बेहद अहम। साल का दूसरा दिन, नए साल का दूसरा दिन आज, और साथ ही साथ एक ऐसा वक्त जब पाकिस्तान से रिश्तों को सुधारने के लिए भारत ने पहल की थी, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इनिशिएटिव लिया था, लाहौर वो गए थे और जनवरी में अब प्लान थी सेक्रेटरी लेवल के टॉक्स, लेकिन उससे पहले इस हमले का होना, अब इसका असर आगे क्या होता है वो आने वाले कुछ दिनों में साफ होगा। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ GD बख्शी साहब भी इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। बख्शी सर, आपका जब आपसे थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट चल रहा था, आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर इसे बता रहे थे। देखिए, ऐसा है कि ये पाकिस्तान का एक बहुत ही सोचा समझा और बड़ा ही खतरनाक हमला था। पठानकोट का एयरबेस हमारा बहुत अहम एयरबेस है और यहाँ हमारे MiG-29 जहाज, हमारे हेलीकॉप्टर स्टेशन हैं और ऐसे बेस पे बगैर रेकी, बगैर प्लानिंग के हमला नहीं होता। ये 6 से 8 मेरा ख्याल नॉर्मली एयर बेसिस पे जब अटैक हुए हैं, 6 से 8 बंदे वो सिक्योरिटी फेंस को पार करने की कोशिश करते हैं वीक जगह में और वहाँ से 2-2 की टीम्स में बढ़ जाते हैं, बड़ी ग्रुप्स में, और उनकी कोशिश रहती है टेक्निकल एरिया तक पहुँच कर हमारे लड़ाकू जहाज़ों को ज़मीन पर गर्क करना, बर्बाद करना। ये तो हमारे गरुड़ कमांडोज की मुस्तैदी है, हमारे लड़कों की, जो 2 जिनमें से शहीद हो चुके हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कि उन्होंने इनको टेक्निकल एरिया में नहीं घुसने दिया और डैमेज को कंटेन कर गया और सीमित रखा है। लेकिन जहां तक पाकिस्तान की कोशिश थी, ये तो बहुत खतरनाक कोशिश थी। देखिए, ये बहुत फैमिलियर पैटर्न हो गया है दक्षिण एशिया का। अब जब भी हम पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं एट द हाईएस्ट लेवल, पाकिस्तान की
जो है प्राइम मिनिस्टर साहब को हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एंगेज किया था, अभी पर्सनली वो गए थे उनके जन्मदिन पर, और देखिए क्या जवाब में हमको मिला है। बिल्कुल, अभी तो ये ऑपरेशन चल ही रहा है, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने के लिए जो कोशिश प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, उन कोशिशों को ये कितना बड़ा झटका है और आने वाले दिनों में इसका क्या असर देखने को मिलता है, ये सबसे बड़ा सवाल इस हमले के बाद, इस घटना के बाद खड़ा होता है।